आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में दो दिन से भटक रहा तेंदुआ 6 ग्रामीणों को घायल कर चुका है। भूख के चलते खूंखार हो चुके तेंदुए की दहशत से जहां लोग घरों में दुबके हैं, तो वहीं 48 घंटे से चल रही तलाश के बाद भी वन अमला तेंदुए को ढूंढने में नाकाम साबित हो रहा है। दरअसल दमोह में तेंदुए के साथ पन्ना टाइगर रिजर्व और स्थानीय वन विभाग की लुकाछिपी जारी है। दो दिनों से भूखा तेंदुआ जिले के अलग अलग क्षेत्र में लोगों को घायल कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। फिलहाल उसकी लोकेशन तेजगढ़ के बिजोरा खमरिया गांव के पास मिल रही है, जिसे पकड़ने के लिए रेस्क्यू जारी है। जानकारी के मुताबिक बुधवार की दोपहर देवरान गांव के खेत में चारा काट रहे एक आदिवासी मजदूर पर तेंदुए ने हमला किया था। घायल को जिला अस्पताल लाया गया और उधर पुलिस वन विभाग को ग्रामीणों ने सूचना दी। वन विभाग की टीम वहां पहुंची और कुछ ही देर बाद तेंदुए ने दो और लोगों पर हमला कर दिया। इसके बाद शाम होते होते दो और लोगों को घायल कर दिया, जिससे एक ही दिन में 5 लोग घायल होकर जिला अस्पताल पहुंचे। इसी तरह गुरुवार को तेंदुए ने अपना क्षेत्र बदला और तेजगढ़ पहुंच गया। यहां पर शाम को खेत में काम कर रहे एक किसान महेश लोधी के पीठ पर हमला कर घायल कर दिया। उसे भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल तेंदुआ अभी भी गिरफ्त से बाहर है।